पहले यहाँ आगे जाए ना। आज मैं फर्स्ट टाइम ये देख रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं मेरे अम्मी पापा को सरप्राइज देने, क्योंकि मेरा जो लाइसेंस है वो मुझे 2-3 दिन पहले मिला था। अभी मैं गाड़ी में लेकिन अभी तक हम लोग उनको दिखाने नहीं गए, तो आज हमने सोचा कि हम मेरे पापा को सरप्राइज देते हैं। हियर इज माय हस्बैंड और हम लोग बस निकलने वाले हैं। बेशक बहुत अंधेरा है बट एक स्पेशली खुशी होती है मुझे। हम लोग पहुंच गए हैं, अब पता नहीं घर वाले क्या कर रहे हैं। कुछ मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। सही मोड़ लगी है फिर। उसके बाद वी स्टार्टेड हैविंग डिनर। घर वालों को हमने सरप्राइज़ दिया था लेकिन उन लोगों ने अपने लिए खाना बनाया हुआ था, सो देयर वर दीज कबाब्स और रायता और सैलेड। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के बातें कर रहे हैं एसी के बिल्कुल आगे ताकि उन्हें अच्छी तरह हवा लगे। और इसके साथ शहरबानों ने बिरयानी बनाई हुई थी विच वॉज़ रियली गुड, और इसके साथ हम लोगों ने खाए सीख कबाब। तो सीख कबाब भी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है हमारे सीख कबाब और ये था हमारा डिनर, इसको हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। केक ये जो सेलिब्रेशन का केक है, हाँ नहीं इसके अंदर ही काट लो। ये असल में हम लेके आए थे मेरे लाइसेंस की उसी में, लेकिन आज हमारी शहरबानों जो है वो क्या, आज हमारी शहरबानों ने अपना बीएड पास कर लिया है। और ये क्या ज़माना आ गया है, नौकरी कोई नहीं लेकिन कोई गाल नहीं डिग्री उन्होंने पूरी 19.5 पढ़ ली नौकरी कोई बात नहीं। तो इसीलिए हमने कहा चलो केक यही काट देती है और इसी को हम क्रेडिट दे देते हैं। खुद ही खा लो, खुद ही खा लो। फीसें सारी अम्मी ने दी हैं, उनको नहीं केक खिलाना। मैंने डालना है अंदर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डे वीकेंड था एंड आई ट्राई टू मेक समथिंग गुड फॉर माय हस्बैंड। और यहाँ पे मैंने चिकन के फिले को थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया था और मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला था। इसको ज़्यादा ऑयल में पकाने की ज़रूरत नहीं है और इसको मैंने बिल्कुल फ्लैट जो है वो कढ़ाही में डाल के तो कवर करके इसको स्टीम कर लेना है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और हेल्दी भी होता है, आई रियली लाइक इट। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने बेसिक नमक मिर्च और कुटा हुआ अदरक लहसुन डाला है और कुछ भी नहीं डाला। तो इस तरह से इसकी शक्ल जो है वो हो जाती है
इसको मैं थोड़ा ग्रिल टाइप कर लूँगी, मेरे पास ग्रिल पैन नहीं था तो मैं इसी के अंदर कर रही हूँ। और उसके बाद आई फेल्ट वेरी टायर्ड, तो इसलिए मैं किचन में नहीं टीवी लाउंज में बैठकर अपनी वेजिटेबल्स चॉप करी थी जो कि मैंने राइस में डाली थी, और मैंने सालसा सैलेड भी बनाना था। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही हूँ और इसके साथ जो है वो सब्जियाँ चॉप कर रही हूँ। और वॉइस ओवर मैं इसका इसलिए करती हूँ क्योंकि बाकी सारे घर वाले भी अंदर अपना काम कर रहे होते हैं, सो इट्स बेटर टू वॉइस ओवर। तो ये चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी मज़े की चीज़ ये है कि चिकन निकाल कर इसी कढ़ाई के अंदर आप अपनी वेजिटेबल्स डालें और उनको थोड़ा सा फ्राई करके बिल्कुल एक सेकंड के लिए, और इसके अंदर ही फिर मैं चावल डाल दूँगी और साथ में मैं पानी डालूँगी। थोड़ा सा इसको सौते कर लेना है और पानी डालना है, अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डालने हैं। तो ये सालसा चिकन राइस जो हैं ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ द मिक्सचर। इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे जो राइस हैं ये बन गए हैं, और ट्रस्ट मी इट वाज टू गुड। और शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मज़े के हैं। तो ये है हमारा सालसा सैलेड, इसके साथ रोस्टेड चिकन, और इसके साथ जो है वो राइस। और ये एक बहुत हेल्दी और मज़े का मील जो है वो तैयार होता है। और ये है मेरी प्लेट, इसी तरह हम सब ने इसको खाया था और इसको इंजॉय किया था। तो ये हमारा वीकेंड स्पेशल जो है वो डिनर था। और इसके साथ ही आई वॉज ट्राइंग टू वॉश माई क्लोथ्स, और मैंने लॉन्ड्री की अपनी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑटोमेटिक मशीन भी आप लोगों को दिखा दूँ। और इसका व्लॉग मैंने ज़्यादा बनाया था लेकिन कुछ क्लिप्स मेरे से डिलीट हो गए, और अपने बैक साइड पे घर के मैं यहाँ पे लॉन्ड्री कर रही हूँ, और मेरी बहनें भी मुझे विज़िट करने आई थी। तहरीम वान इज़ डूइंग आयरनिंग माय क्लोथ्स, और उनको मैं विदाउट कंसेंट के व्लॉग में डाल रही हूँ। तहरीम लोग वीकेंड पे हमारे घर आए थे और ये मेरे कपड़े इस्तरी करी थी, जिसका मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।